हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन ग्रामोदय कॉलेज डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, हमने यूनिट चालू की थी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम एक बार जो है पीछे का मैटर रिवाइज करके वापस जो है आज की नई क्लास जो है शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है ग्रोथ के बारे में जाना था पिछली क्लास में आपने। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज। ग्रोथ जो है अनुत्क्रमणीय स्थायी जो है बढ़ोतरी है, इंक्रीमेंट। जैसे कोई भी कोशिका है, कोई भी जीव है, उसके अंग के अंदर या किसी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर अनुत्क्रमणीय स्थायी बढ़ोतरी को हम ग्रोथ कहते हैं। मीन्स एक बार जब ग्रोथ हो गई तो वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती। जब एक छोटा बेबी, तो बिल्कुल अभी छोटा है साइज में, जब वो वृद्धि करके 18 साल तक पहुंच जाता है, तब वो उसका आकार काफी बड़ा होता है। तब उस 18 साल के बच्चे को जब, जो 18 साल का जो बॉय है, जो अभी 5-5.5 फुट का है, उसे आप वापस छोटा नहीं कर सकते, 1 फीट का नहीं बना सकते, छोटा बेबी नहीं बना सकते। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन से मतलब है कि आकार, रंग, रूप इत्यादि में परिवर्तन, ठीक है। तो ग्रोथ इज अ फिजिकल चेंज एंड इंक्रीज इन साइज, आकार में बढ़ोतरी। जनरली हम जो प्लांट्स और एनिमल है उनके टर्म में लेते हैं कि भाई या तो क्या बढ़ेंगे, सेल्स की नंबर बढ़ेगी या सेल्स की साइज बढ़ेगी। तो जो सेल्स की जो नंबर बढ़ना है, कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना है, उसे हम क्या कहते हैं? नंबर को, कोशिकाओं का नंबर बढ़ने को कहते हैं हम हाइपरप्लेजिया। और जो कोशिकाओं का आकार बढ़ना, उसे कहते हैं अपन हाइपरट्रॉफी। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे तरबूज की कोशिका, एक वाटरमेलन की जो सेल्स होती है उसे अपने अंदर स्टोर करना होता है मीठा रस। तो वो मीठा रस स्टोर करने के लिए क्या करती है कि अपना साइज जो है 350,000 गुना लगभग बढ़ा देती है। तो इतना साइज जब बढ़ा देती है तो ये एक प्रकार की वृद्धि हुई, तो ये एक प्रकार की ग्रोथ है। तो इस ग्रोथ को क्या कहेंगे? जब साइज में वृद्धि होती है तब उसे अपन हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और यही यदि अपन बात करें कि जो जिया मेज है, मक्का की जो रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल है, वो 1 घंटे के अंदर विभाजन करके 17,500 नई कोशिकाएं बना देती है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल हो गया, सेल्स का नंबर बढ़ गया। सेल्स के नंबर को बढ़ने को हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो ग्रोथ होती है इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटिवली। हम ग्रोथ को माप सकते हैं। यदि कोई प्लांट है तो उसके लिए जो आचार्य जेसी बोस है, उन्होंने एक एपरेटस बनाया था, क्रिस्कोग्राफ। तो क्रिस्कोग्राफ के द्वारा प्लांट की ग्रोथ को मापा जा सकता है। और यदि एनिमल की बात करें तो भाई जो ह्यूमन है वो अपने फीते से मापते ही है, 5 फुट, 5.5 फुट, 6.5 फुट, 164 सेंटीमीटर। तो ये जो है तो ग्रोथ है, उसे मापा जा सकता है। वृद्धि के सूचक क्या है ग्रोथ के? प्लांट या एनिमल की हाइट बढ़ेगी, प्लांट या एनिमल का वेट बढ़ेगा और बोन साइज बढ़ेगी। अरे भैया, एक छोटे ह्यूमन बेबी की बात करें तो उसकी फीमर की साइज देखिएगा, और एक 18 साल का जो लड़का है उसकी फीमर की साइज देखिएगा। तो बोन में ग्रोथ होती है तभी लंबाई में वृद्धि होती है। जो मनुष्य है, मनुष्यों के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन को रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। यह हार्मोन क्या करता है? जो अपने बोन के जो ग्रोथ सेंटर है उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें इंड्यूस्ड करता है। वो ग्रोथ सेंटर जो है फिर बोन की ग्रोथ को इंड्यूस्ड करने में मदद करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो हड्डी है बोन, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो जब हड्डी की लंबाई में वृद्धि होगी, मसल्स की लंबाई में वृद्धि होगी, तब जो है होल बॉडी जो है, पूरा शरीर जो है वो अपने आप ग्रो करेगा। अच्छा, फिर देखिए भाई, जैसे हमने बताया कि साइज में बढ़ना जो है ग्रोथ है। यहां पर लिख रखा है ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन सेल साइज और सेल नंबर। अरे भाई, द्रव्यमान का बढ़ना, भाई वेट का बढ़ना भी तो वृद्धि है,
अब वेट बढ़ा कैसे होगा, सेल्स का नंबर बढ़ा होगा, सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म का जो प्रोटोप्लाज्मिक जो सब्सटेंस है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ी होगी, तब जो है वेट बढ़ा, तो द्रव्यमान का बढ़ना भी जो है ग्रोथ है। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ अ बॉडी और ऑर्गेनिज्म। तो शरीर या जो अंग है उसके द्रव्यमान और आकार में जो वृद्धि है ये एक ग्रोथ का जो है सिम्टम्स है। इट्स टिपिकली ऑक्यूर्स थ्रू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स एंड एन इंक्रीज इन इंटर सेलुलर सब्सटेंस। वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है, या तो कोशिकाएं गुणन करेगी या फिर जो कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जो इंटर सेलुलर सब्सटेंस है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये ग्रोथ है। फिर आगे देखें, हमने बात करी टाइप्स ऑफ ग्रोथ की, तो हमने वृद्धि के प्रकार बताए। प्लांट्स में जनरली हम प्लांट्स की बात करें तो प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ से मतलब था कि पादप अपनी लंबाई में वृद्धि करेगा, लंबाई में बढ़ना, पादप जो देखिए अपने एक्सिस के अलोंग जो है ग्रो करता है, मतलब जो पादप का जो तना है सूट है उस सूट में पाया जाता है सूट एपिकल मेरिस्टेम, और वो सूट एपिकल मेरिस्टेम प्लांट को जो है जो अपवर्ड सन की तरफ जो है ग्रो करवाता है, और जो रूट होती है रूट के अंदर पाई जाती है रूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट एपिकल मेरिस्टेम जो प्लांट है उसकी रूट को जो है डाउनवर्ड कंडीशन में जो है ग्रो करवाती है, जड़ों का निर्माण नीचे की तरफ होता है। तो जो प्राइमरी ग्रोथ है उसका मतलब होता है पादप की लंबाई में वृद्धि, पादप के तने की लंबाई में वृद्धि और पादप की जड़ों की लंबाई में वृद्धि, यह है प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ से मतलब है कि प्लांट अपने डायमीटर में वृद्धि करेगा। जो पौधा है उसमें पाए जाते हैं लेटरल मेरिस्टेम पार्श्व विभिजोतक, और वो लेटरल मेरिस्टेम जो है उस मेरिस्टेम के कारण, उस विभिजोतक के कारण पादप जो है अपने डायमीटर में वृद्धि करेगा। आप यदि देखिए कि यदि आप पीपल का पेड़ बोए तो शुरुआत में तो उसका तना इतना पतला होगा, लेकिन कुछ सालों पश्चात वो अपना डायमीटर बढ़ाता है। तो किस रीजन से, क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम पाया जाता है उस कारण से। फिर एक जनरली अपन बात करें कि पौधे में किस प्रकार की वृद्धियां होती है, तो पौधे में दो प्रकार की वृद्धि होती है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ और उसकी जनरेटिव या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो वेजिटेटिव ग्रोथ से क्या मतलब है कि भाई पादप में जो है सबसे पहले जड़ तना पत्तियां विकसित होगी, और भाई पादप को फोटोसिंथेसिस करना है तो उसकी लीफ को एक्सपांड होना पड़ेगा, तभी जो है वो प्रॉपर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएगा। तो पहले उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, मीन्स जड़ तना पत्ती जो है बढ़िया विकसित होंगे, फिर उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब है पादप में फूल बीज और फल निर्माण। तो पहले कायिक वृद्धि और फिर जननिक वृद्धि होती है पादपों में। फिर द ग्रोथ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज क्लासिफाइड इंटू थ्री फेजेज। कभी जो पादप की वृद्धि है उसको हम तीन प्रावस्थाओं में बांटते हैं। पहला है फॉर्मेटिव फेज, फॉर्मेटिव मीन्स प्रारंभिक अवस्था, शुरुआती दौर। तो शुरुआती दौर में कोई भी जो कोशिका जो है वो जो है विभाजन के लिए तैयार होती है। फिर होता है सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इनलार्जमेंट। सेल डिफरेंशिएशन से क्या मतलब है, आप जाइए स्टेम सेल में, जब भी एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जब एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। जब एम्ब्रियो होता है तो उसमें कोई किडनी ब्रेन वगैरह ये सारी चीजें नहीं होती, उसमें होती है उस टाइम स्टेम सेल। तो स्टेम सेल जब होती है तो स्टेम सेल क्या होता है कि उस टाइम ये ऑर्गन डेवलप हो रखे नहीं होते हैं, धीरे धीरे जो है ऑर्गन्स का विकास होता है, वो स्टेम सेल फिर जो है डिवाइड करके परिपक्व होती है। किनमें परिपक्व होती है, स्टेम सेल किडनी का काम करने के लिए नेफ्रॉन सेल्स का निर्माण करती है, ब्रेन्स का काम करवाने के लिए न्यूरॉन्स का निर्माण करती है, और लीवर को फंक्शन करवाने के लिए हिपेटोसाइट सेल का निर्माण करती है। तो कहने का मतलब सेल डिफरेंशिएशन से मतलब है कोशिका को कुछ विशिष्ट कार्य करने होते हैं, तो उसके लिए वो मैच्योर और एडवांस्ड हो जाती है,
वो विभाजन का काम छोड़ करके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का हिस्सा बन जाती है, इट इज सेल डिफरेंशिएशन, सेल इनलार्जमेंट। कि भाई जब कोशिका एक बार विभेदित हो गई तब वो अपना जो है मैक्सिमम साइज बढ़ा देती है, तो इसे सेल इलोंगेशन कहते हैं, कोशिका जो है दीर्घन। फिर आया सेल मैचुरेशन, तो सेल मैचुरेशन में क्या होगा भाई, एक सेकेंड, सेल मैचुरेशन के अंदर कोशिका जो है परिपक्व हो जाएगी, गिरा। फिर जो है आगे नेक्स्ट लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। तो ग्रोथ को जो है अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हो गए, तो ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, और इंटरनल फैक्टर जो प्लांट है या एनिमल है उसके अंदर पहले से मौजूद जो फैक्टर है वो इंटरनल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में आप मानिए कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, उसको टेम्परेचर चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको लाइट चाहिए, उसको मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब होगी तभी जो है प्लांट ग्रो कर पाएगा, वरना जो है प्लांट सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा, तभी वो अपने अपने लिए और अन्य प्राणियों के लिए भोजन का निर्माण कर पाएगा पादप। ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तभी उसमें उपस्थित हार्मोन जो है, जो एंजाइम वगैरह है, वो सारे जो है अपनी जो भी अभिक्रिया है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कैटालिसिस के रूप में जो अपना काम कर पाएंगे। वाटर, तो भाई प्लांट में है क्या, प्लांट में पूरा का पूरा वाटर ही है। आप 1 किलो पालक को यदि सुखा दोगे ना पूरी तरीके से, वो 50 ग्राम ही बचेगा। तो 50 ग्राम क्यों बचा, क्योंकि उसके अंदर इतना तो वाटर था। तो वाटर जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एक प्लांट की जो है टर्जिडिटी को बनाए रखने के लिए, उसकी स्पितता या फिर उसका जो वो फूला हुआ रहता है प्लांट, तो उसको बनाए रखने के लिए जो मैक्सिमम रोल होता है वो रोल वाटर का ही होता है। तो वाटर जो है एसेंशियल कंपोनेंट है, एसेंशियल सब्सटेंस है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और वाटर के द्वारा ही तो मिनरल्स वगैरह जो है रूट के द्वारा प्लांट के जो है पूरे शरीर में जो है ट्रांसलोकेट होते हैं। फिर ये मिनरल न्यूट्रिएंट, इसकी बात हो गई। फिर होता है इंटरनल ग्रोथ फैक्टर। तो इंटरनल ग्रोथ फैक्टर में क्या आएंगे भाई, हार्मोन आएंगे। अब यदि मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट के अंदर तो प्लांट हार्मोन होते हैं, जिसे हम फाइटो हार्मोन्स भी कह देते हैं। तो प्लांट, उन प्लांट हार्मोन्स को हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब पादप वृद्धि नियंत्रक। तो उसमें से पादप वृद्धि नियंत्रक, उसमें से कुछ तो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और कुछ ग्रोथ को जो है अपन कैसे कहते हैं कि वो रिड्यूस भी करेंगे। तो जो इथाइलिन वगैरह है, एसिटिक एसिड जो है, इनमें ग्रोथ को रिड्यूस करने की जो है क्षमता पाई जाती है, साथ में प्रोड्यूस भी। तो जो जंतु एनिमल के अंदर क्या होगा भाई, हार्मोन पाया जाता है सोमेटोट्रोपिन। अभी अपन ने बात करी थी सोमेटोट्रोपिन की, कि भाई ये जो है हड्डियों की मांसपेशियों की लंबाई को बढ़ाता है, ये लीवर को भी जो है टारगेट करता है, और उस कारण से जो है मनुष्य की लंबाई बढ़ती। कभी भी मनुष्य की लंबाई जैसे 18 साल तक जो है ये हार्मोन एक्टिव स्टेज में रहता है, तो 18 साल तक तो मनुष्य की जो है मैक्सिमम लंबाई बढ़ जाएगी, उसके पश्चात लंबाई नहीं बढ़ती। जबकि प्लांट में क्या होता है, होल लाइफ पूरे जीवन काल में जो है उनकी लंबाई बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है, क्योंकि उनके अंदर मेरिस्टेम पाए जाते हैं। एनिमल्स में जो है मेरिस्टेम एब्सेंट रहता है। तो प्लांट के अंदर कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होंगे, तो प्लांट के अंदर ऑक्सिन, फिब्रिलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सेसिक एसिड, ये जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा हम वापस देख लेते हैं यहां से। तो ग्रोथ क्या था, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। कि भाई जो किसी भी जीव के अंदर अनुत्क्रमणीय स्थायी बढ़ोतरी, ये ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ इज अ फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ लाइविंग बींग। अरे भाई जो वृद्धि है वो सभी सजीवों का मूलभूत लक्षण है। सभी जो सजीव है उनमें तो वृद्धि होगी, अरे भाई पत्थर में वृद्धि थोड़ी ना होती है क्योंकि वो तो निर्जीव है। तो फंडामेंटल कैरेक्टर है ग्रोथ सजीवों का। तो ग्रोथ फिजिकल चेंज है, सेल की साइज में वृद्धि, सेल के नंबर में वृद्धि, कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ेगी, सेल के साइज में वृद्धि, ये हो गया। और इंडिकेटर्स क्या है ग्रोथ के, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, हड्डियों के आकार का बढ़ना, और डेंटेशन। डेंटेशन का मतलब दांतों का निकलना भाई, दांतों का उद्भव। तो दांत जब उगते हैं तो ये भी तो ग्रोथ का एक
सिम्टम्स हो गया भाई, ये भी तो एक ग्रोथ है। फिर देखिए आप, तो ये अभी अपन ने बात करी प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव ग्रोथ। फिर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या चीज है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ होता है कि भाई एक पक्ष में परिवर्तन, जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, संपूर्ण पक्षों में, किसी जीव के संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन को डेवलपमेंट कहते हैं। और यदि मैं प्लांट के रेफरेंस में ले इस शब्द को, तो डेवलपमेंट बराबर ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, कि भाई जो सेल जो है ये क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, कि भाई अपना जो जैसे उसने नंबर बढ़ा दिया डिवाइड होकर के, या फिर उसने प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस अपने अंदर डाल करके अपना साइज बढ़ा दिया, और लेकिन इसके साथ में विभेदन भी, कि भाई वो अपना नंबर और आकार बढ़ाने के साथ साथ क्या करती है कि वो मैच्योर होती है और किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का हिस्सा बनती है वो, क्योंकि उसे कोई ना कोई पर्टिकुलर काम करना होता है। जैसे खाली शरीर में सेल्स पड़ी रहे, किडनी हो ही ना, तो किडनी होने के लिए किडनी की जो यूनिट है नेफ्रॉन्स, वो होना जरूरी है। नेफ्रॉन्स क्या है, नेफ्रॉन्स एक सेल है, तो वो मॉडिफाई हो गई है, वो एडवांस्ड हो गई है, वो मैच्योर हो गई है, अब वो किडनी के लिए काम करेगी, तो वो बार बार विभाजन होने का ही काम नहीं करेगी, अब वो किडनी के लिए ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करवाना। तो डेवलपमेंट बराबर ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। फिर देखिए आप, ड्यूरिंग ग्रोथ क्या होगा, वृद्धि के दौरान उपापचय क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं जिसमें एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं। एनाबोलिक का मतलब होता है पदार्थों का निर्माण, और कैटाबोलिक का मतलब होता है पदार्थों का टूटना। सिंपल से शब्दों में समझिए, पादप क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो फॉर्म हो रहा है मीन्स एनाबोलिक प्रोसेस। और ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी कोई चीज बनती है तो वो होता है रिडक्शन प्रोसेस, अपचयन की प्रक्रिया। जैसे फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर जुड़ते हैं और फिर ये कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो जब भी कोई चीजें बनती है तब हमें ऊर्जा देनी पड़ती है वहां पर। जैसे CO2 और H2 बाइंड बगैर एनर्जी के थोड़ी ना होंगे भाई, सनलाइट चाहिए, तो वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फिर वो बाइंड होते हैं। और वो एनर्जी कहाँ है, अब वो एनर्जी है उस कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के बॉन्ड्स में प्रेजेंट है अभी। तो एनाबोलिक प्रोसेस या फिर रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, चीजें जुड़ती है छोटी छोटी और वो बड़ी चीज में कन्वर्ट होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और वाटर जुड़ता है और वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, और वो एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी थी सनलाइट की, तभी वो जो CO2 और H2 आपस में बाइंड हुए। तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस और एनाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक चीजें टूटती है। रेस्पायरेशन में क्या होता है, भाई पादप ने तो भोजन बना दिया कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, वो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज जब हमने खाया तब वो अब टूटेगा वापस CO2 और H2O में। तो अब कैसे टूटेगा, अब जब टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। अब ये एनर्जी निकलेगी, वही एनर्जी तो हम अपने जो शरीर की ग्रोथ में काम में लेते हैं, हमारे शरीर में जितने भी फंक्शन चलते हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है। अरे भाई जो अपन ने खाना खाया वो खाना अंदर ब्रेक डाउन होता है और उससे फिर वो एनर्जी निकलती है, और वो जो है अपने शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उनके रेगुलेट करवाने के लिए आवश्यक होती है। तो ग्रोथ के दौरान उपापचय क्रियाएं होती है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फोटोसिंथेसिस रिडक्शन प्रोसेस है, चीजें बनती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बना या ग्लूकोज फॉर्म, एनाबोलिक प्रोसेस है, जब चीजें बनती है तब ऊर्जा खर्च होती है, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। रेस्पायरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ग्लूकोज डिग्रेड होता है, टूटता है, और जब टूटेंगी कोई चीज तो ऊर्जा निकलेगी। तो हमारे शरीर में रेस्पायरेशन का क्या मतलब है कि जो खाना खा करके खाने को पचाते हैं तो वो ऊर्जा निकलती है वहां पर। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि हमने ग्लूकोज को तोड़ा और एनर्जी रिलीज हुई। अच्छा, ये अभी अपने बात करी कि भाई जो जंतुओं में सोमेटोट्रोपिन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। सोमेटोट्रोपिन पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी ग्रंथि से, मतलब कौन से सेल से स्रावित होता है, सोमेटोट्रोप या होमोसोमेटोट्रोप। तो ये कुछ सेल्स होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सोमेटोट्रोपिन या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को जो है रिलीज करवाती है। टारगेट क्या होता है सोमेटोट्रोपिन का, ये हमारी जो
ऑस्टियोब्लास्ट और जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है बॉन्स की, उसको टारगेट करता है, उसकी लेंथ को बढ़ाने का जो इंड्यूस करने का काम करता है। मस्यूल सेल जो मसल्स है उसको टारगेट, नर्वस सिस्टम सेल और इम्यून सिस्टम सेल को जो है ये टारगेट करता है सोमेटोट्रोपिन। प्लांट ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है, तो मैंने आपको बताया कि जो पादप में जो है मेरिस्टेम पाए जाते हैं वो तने में सबसे ऊपर, तने में सबसे नीचे जड़ की जगह, और जो लेटरल साइड है तना की पार्श्व में विभिजोतक पाए जाते हैं। तो पादप में वृद्धि लोकलाइज्ड होती है क्योंकि जो है या तो वो लंबाई में वृद्धि करेगा या चौड़ाई में वृद्धि करेगा, इनडिटर्मिनेट होती है, मतलब अनिश्चित होती है, असीमित होती है, पूरे जीवन काल ग्रो करता रहता है। यदि पादप 5000 साल का है तो 4999 जो साल है उस साल भी वो ग्रो कर रहा होगा कहीं ना कहीं से। लेकिन मनुष्यों में वृद्धि जो 18 साल तक ही होती है, ऐसे यदि अपन वृद्धि करते तो टावर के जितने होते। तो प्लांट ग्रोथ लोकलाइज्ड और इनडिटर्मिनेट है। एनिमल ग्रोथ जो अनलोकलाइज्ड या डिफ्यूज टाइप की होती है, जो है एनिमल जो है वो सब तरीके से जो है ग्रो करता है, कोई एक निश्चित पॉइंट नहीं होते जहाँ से वो ग्रो करता है। डिटर्मिनेट होती है कि भाई हम जो है 5-5.5 फुट 6 फुट तक बढ़ जाएंगे, ऐसे नहीं कि 20-25 फुट का भी कोई आदमी आपने देखा, तो ये पॉसिबल नहीं। क्रिस्कोग्राफ, आचार्य जेसी बोस ने पौधे की लंबाई को मापने के लिए एक उपकरण बनाया जिसे क्रिस्कोग्राफ कहते हैं, और लेंथ ऑफ कॉर्न सिल्क ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर। कि भाई यदि अपन पादप में वृद्धि का कोई एग्जाम्पल लें तो मक्का जो है, मक्के के ऊपर बाल लगे हुए होते हैं, वो बाल होती है स्टिग्मास, वो वर्तिकाग्र होती है। तो वो वर्तिकाग्र जो है इतनी लंबी हो गई 30 सेंटीमीटर की, जबकि दूसरे किसी फ्लावर में देखना वर्तिकाग्र बिल्कुल छोटी होती। तो ये क्या है, ये ग्रोथ का एग्जाम्पल है। कॉर्न में क्या होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम की कोशिका 1 घंटे में जो है 17,500 नई कोशिकाएं बना देती है। तो 17,500 नई कोशिकाएं, तो इतनी सेल ऐड हुई, सेल नंबर बढ़ा, तो सेल के नंबर को बढ़ने को कहते हैं हाइपरप्लेजिया। सेल के नंबर को बढ़ने को कहते हैं हाइपरप्लेजिया। फिर जो तरबूज है, तरबूज की जो कोशिका है वो अपना आकार बढ़ा देती है, लगभग 3,50,000 गुना अपना आकार बढ़ा देती है, क्योंकि उसे अपने अंदर जो है जो मीठा सब्सटेंस जो इकट्ठा करना पड़ता है। तो जब सेल की साइज बढ़ती है तब उसे कहते हैं अपन हाइपरट्रॉफी। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी का लेक्चर नेक्स्ट क्लास। ठीक है।